सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त अयोध्या से आ रही है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसे देखते हुए अयोध्या में अगले 9 दिनों तक मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। जिला प्रशासन का यह आदेश आज से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब इस आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने मोर्चा खोला है। मीट की दुकान बंद करने के आदेश पर एसटी हसन ने नवरात्रि में मीट बंदी के आदेश को गलत बताते हुए कहा कि एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय का कारोबार बंद करवा देना सही नहीं है। हिंदू भाइयों को नवरात्रों की मुबारकबाद देता हूं। मीट की दुकानों का जहां तक सवाल है कि अगर ये पर्दे के पीछे से बिकने लगे तो उसमें मैं समझता हूँ कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अगर दूसरे का कारोबार और रोजी रोटी को बंद किया जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। वो मीट जो है वो अलग से बंद दुकान से या कि किसी को पता ना चले, कोई देखे ना, अगर उनकी भावनाएं उससे आहत होती है तो बेचने में क्या नुकसान हो जाएगा उसका, हमेशा से बिका ही करता था। तो मैं नहीं समझता कि यह आदेश जो है वो एक अच्छा आदेश है, बल्कि इससे लोगों को तकलीफ होगी।